बाके चोचे। हमने हमेशा लोगों से यही सुना है कि अगर कोई भी मुश्किल आए तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है या कोई ना कोई सहारा जरूर भेजता है। पर क्या हो अगर वही सहारा आपकी जान ले ले तो? ये कहानी 25 साल के सैमुअल की है, जिसका अमेरिका से टोक्यो ट्रांसफर हुआ था। सैमुअल काफी खुश मिजाज इंसान था। सैमुअल का घर टोक्यो के पास एक फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में था और वो जगह उसको बहुत पसंद थी। हर रात की तरह उस रात भी वो बस स्टॉप से अपने घर चलकर जा रहा था। वो हर रात अपने घर के पास एक नूडल बार से अपना खाना पिकअप करता था। उस दिन भी वो उस नूडल बार से अपना खाना पिकअप करने जा रहा था और बस गली के मोड़ पर ही था कि उसको नूडल बार के ओनर मिस्टर तनाका के रोने की आवाज आई। वो उनकी ओर जाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक इंसान जिसने अपने मुंह पर एक स्केलेटन के प्रिंट वाला कपड़ा बांध रखा था, वो मिस्टर तनाका के सर पर रिवॉल्वर ताने खड़ा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। सैमुअल ने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और डर के मारे उसका फोन गिरकर टूट गया। सैमुअल तुरंत छुप गया। छुप के बैठे बैठे जब उसने मिस्टर तनाका की तरफ देखा तो मिस्टर तनाका की लाश जमीन पर पड़ी थी और वो नकाब पोश आदमी उनकी दुकान के काउंटर से पैसे निकाल रहा था। सैमुअल वहां से डर कर भागा, पर एक ट्रैश कैन से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज से वो नकाब पोश आदमी जो अब दुकान से बाहर निकल रहा था और जिसने अब अपने मुंह का कपड़ा भी उतार दिया था, वो सैमुअल की तरफ मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो आदमी सैमुअल के पीछे भागने लगा। सैमुअल ये नहीं चाहता था कि वो आदमी उसका घर देख ले, तो वो भागते भागते फॉरेस्ट के थोड़े अंदरूनी इलाके के एक टूटे हुए घर में जाकर छुप गया। जब उसने उस घर की एक टूटी हुई खिड़की से उस खूनी को अपनी तरफ आते देखा तो वो भागकर उस घर के आखिरी कमरे में जाकर छिप गया। तभी सैमुअल को दरवाजा खुलने की और उस खूनी के कदमों की आवाज आई। उसे लगा कि आज उसका वही हाल होगा जो मिस्टर तनाका का हुआ। वो खूनी उस कमरे के और करीब आ रहा था कि तभी एकदम से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी और वो खूनी उससे डर गया और उस घर से भाग गया। सैमुअल ने कुछ देर इंतजार किया और बड़ी हिम्मत करके बाहर निकला। तब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां से जा चुकी थी। उसने अपनी जेब से माचिस का डिब्बा निकाला और उस डब्बे में पड़ी आखिरी माचिस जलाकर अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगा। माचिस की रोशनी काफी कम थी तो रोशनी बढ़ाने के लिए उसने पूरा माचिस का डब्बा ही जला दिया। तभी सैमुअल को उस आखिरी कमरे में एक पुरानी सी सफेद रंग की पेपर की बनी लालटेन पड़ी हुई दिखी। सैमुअल ने वो लालटेन उठाई और उसे जला लिया। उसके जलते ही मानो जंगल में पेड़ जोर जोर से हिलना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई तूफान आया है। जंगल के अंदर से भेड़िए, हाइना और बंदर शोर मचाने लगे और अचानक से उस घर की वो खिड़की फटके टूट गई। सैमुअल इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सैमुअल ने देखा कि सामने दीवार पर पड़ती हुई लैंटर्न की पीली रोशनी पर एक साया बना हुआ था। वो साया सैमुअल का नहीं बल्कि किसी औरत का था। वो साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। सैमुअल को लगा कि वो घर हॉन्टेड है। वो फटाफट वहां से निकला और उस लैंटर्न के सहारे अपने घर का रास्ता ढूंढने लगा। पर क्योंकि सैमुअल उस इलाके में नया था तो उस लालटेन की रोशनी होने के बावजूद भी सैमुअल अपने घर के बजाय रास्ता भटक चुका था। वो अब जंगल के काफी अंदर आ गया था। सैमुअल चलते चलते काफी थक गया था पर उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पास में उसे एक पेड़ दिखा। सैमुअल जमीन पर पेड़ के सहारे टिककर बैठा और उसने वो पेपर लालटेन जमीन पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर को कोई जकड़ रहा है। सैमुअल ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पीली रोशनी के बीच
उस पेपर लैंटर्न से दो हाथ निकल रहे थे और वो सैमुअल के शरीर पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ जमा रहे थे। वो हाथ सड़े हुए थे और उन पर चाकू के कट्स के निशान भी थे। सैमुअल बस जैसे तैसे करके अपने शरीर को उन हाथों से छुड़ाने में लग गया। वो हाथ और बाहें उसको जकड़े ही जा रहे थे। तभी झटपटाते हुए सैमुअल के हाथ एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लगा और सैमुअल ने उसके सहारे खुद को छुड़ाया और बिना कुछ सोचे समझे उसने जोर से उसे पेपर लैंटर्न पर मार कर बुझा दिया। फिर उसने वो पेपर लैंटर्न भी अपने पैरों से कुचल दिया, क्योंकि साफ था कि जो कुछ भी हुआ था वो उस पेपर लैंटर्न की वजह से ही हुआ था। जैसे ही उसने उस पेपर लैंटर्न को तबाह किया, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति और घना अंधेरा छा गया। सैमुअल को उस अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी एकदम से वो पेपर लैंटर्न वापस जल पड़ी और उसकी पीली रोशनी सैमुअल की आंखों में पड़ने लगी। सैमुअल ने देखा कि उस पेपर लैंटर्न का अब एक मुंह और एक लाल रंग की नुकीली जीभ निकल आई थी। उस लैंटर्न की नुकीली जीभ सैमुअल के कुछ करने से पहले ही उसके पैरों को जकड़ चुकी थी और उस पेपर लैंटर्न के मुंह से वही दो पतले से घाव भरे हाथ निकलने शुरू हो गए। देखते ही देखते उस लैंटर्न में से एक भयानक औरत निकल के हवा में उड़ने लगी। सैमुअल उसे देखकर घबरा उठा। उस औरत के पूरे शरीर पर सड़े गले चाकुओं के घाव थे और वो गुस्से भरी नजरों से सैमुअल को देख रही थी। उस औरत की दोनों आंखों से खून निकल रहा था और उसके गहरे लंबे बालों से कई सारे कॉकरोच और कीड़े। वो औरत धीरे धीरे रोने लगी और सैमुअल की ओर बढ़ने लगी। सैमुअल के चेहरे के एकदम करीब आकर वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने सैमुअल पर हमला कर दिया। अगली सुबह दो पुलिस वाले जो मिस्टर टनाका का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, फुटप्रिंट्स फॉलो करते करते जंगल के अंदर तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंच के देखा कि जमीन पर सैमुअल की लाश पड़ी हुई थी। सैमुअल के पूरे शरीर पर चाकुओं के गहरे निशान थे। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें वही सफेद पेपर की लैंटर्न दिखी। सैमुअल की हालत और पास में पड़ी उस पेपर लैंटर्न को देख पुलिस को एहसास हो गया कि सैमुअल के मरने की वजह और कोई नहीं बल्कि बाके चोचिन है। बाके चोचिन या चोचिनो बाके एक ऐसे इंसान का भूत है जो मन में नफरत के साथ मरा था और फिर उसकी काली आत्मा एक पेपर लैंटर्न के अंदर आकर बस गई थी। उस पेपर लैंटर्न की जमान या जीभ और कई बार दो आंखें भी होती हैं, और अगर उस पेपर लैंटर्न को कोई भी जलाता है तो वो भूत उसको जिंदा नहीं छोड़ता। बाके चोचिन एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसकी वजह से जापानीज लोगों में इतना डर फैल गया है कि वो कई बार पेपर लैंटर्न देखते ही कांप उठते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।